और कैसे आप सारे, वेलकम आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। मैं विकी सिंह और आज की अपनी वीडियो का टॉपिक एक क्वेश्चन है जो कि पिछले जो प्रीवियस हमारी मैंने एक वीडियो किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इसके अंदर जो है मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि व्हाट इज़ द रियल साइंस बिहाइंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि जो फैट लॉस वो करवाता है वो फैट लॉस उसके पीछे साइंस क्या है, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट। सो वो साइंस समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे फैक्टर समझने पड़ेंगे, उन्हें समझने के बाद हम इस पूरे जो एक डाइट जो हमारा ये पैटर्न है, पैटर्न ऑफ ईटिंग बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को, ये कोई डाइट प्लान नहीं है, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ ईटिंग, उसको हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा इंसुलिन से। एक हार्मोन है इंसुलिन, आपने सुना ही होगा। तो इंसुलिन का बड़ा सीधा सीधा सा काम मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं, तो इंसुलिन का सीधा सीधा सा काम है हमारी बॉडी के अंदर शुगर का डाइजेशन करना। ठीक है, जब हम फूड खाते हैं उसके अंदर जब शुगर निकलता है, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ शुगर, ग्लूकोज जिसे आप बोल सकते हैं, तो वो जब हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है आफ्टर डाइजेशन ब्लड के अंदर फ्लो होने लगता है और जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर पहुंच जाता है। इंसुलिन अलाउ करता है हमारी सेल्स को उस शुगर को रिसिप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। ठीक है, और जैसे ही वो हमारी सेल्स में चली जाती है बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन, हम हमारी सेल्स जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी की उसको यूज कर लेती है, और जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उसको एज अ ग्लाइकोजन स्टोर कर लेते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि अगर कोई इंसान या कोई ह्यूमन, आई एम सॉरी, तो जैसे बंदा जैसे मैं या आप उतनी शुगर ले रहे हैं, उतनी एनर्जी ले रहे हैं, मतलब जितनी की इसको हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, कि मानो कि हमें रिक्वायरमेंट है, एग्जांपल लेते हैं, दो रोटी की रिक्वायरमेंट है लेकिन हम ले रहे हैं चार रोटी, तो बाकी जो दो रोटी है जिसका हम कुछ कर नहीं रहे, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट मिली, उसका होगा क्या? प्राइमरली वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगी। अब ये प्रोसेस तो डेली चल ही रहा है, ठीक है, तो ग्लाइकोजन 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 होता जाएगा। हमारी बॉडी का जो स्टोरेज है वो लिमिटेड है, ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है लिमिटेड है। अब डेली वो प्रोसेस हो रहा है तो अब बॉडी करेगी क्या? तो जो पुराना स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको हमारी बॉडी फैट में कन्वर्ट करने लगती है, फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको कन्वर्ट करने लगती है, जिसे हम फैटी एसिड्स बोलते हैं। फिर वो फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में स्टोर होने लगते हैं, किसी के टमी एरिया पे जल्दी स्टोर होते हैं, किसी के चीक्स पे, गालों पे, एंटायर बॉडी पे, और जिसको हम बोलते हैं मोटापा बढ़ना। तो एक साइंस यहाँ पर हमको समझ में आ गया, इंसुलिन एंड देन हाउ वी गेन वेट, फैट के रूप में हम कैसे वेट गेन करते हैं, मस्कुलर वेट की बात नहीं की हमने। ठीक है, क्योंकि जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं फैट लॉस की, ना कि मसल लॉस की। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज, इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे हम कुछ ले नहीं रहे होते, फूड नहीं ले रहे होते, तो हम अपने इंसुलिन को जो हमारा हार्मोन है उसको बिल्कुल रोक देते हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और जब इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पर फैट स्टोरेज होनी बंद हो जाती है बॉडी में। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के वो 10 घंटे, 12 घंटे या 16 घंटे, जैसे भी आप जो भी पैटर्न अपनाते हैं, उस टाइम के अंदर, उस फास्टिंग पीरियड के अंदर आप अपनी बॉडी को बिल्कुल इंसुलिन फ्री कर देते हैं, इंसुलिन लेवल बिल्कुल आपका ज़ीरो होता है, जिससे कि फैट स्टोरेज, ग्लाइकोजन स्टोरेज, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, वो प्रोसेस जो हमने शुरू में बात की वो बंद हो जाता है। इसका मतलब आपकी बॉडी फैट स्टोरेज नहीं कर रही उस टाइम पे। अब क्या होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना वर्क करने के लिए, उस 10 घंटे के अंदर, उस 12 घंटे के अंदर आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे होंगे, आप सो भी रहे होंगे तब भी आप एनर्जी मतलब कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी इज़ अ मशीन भाई, तो हमारी बॉडी अब एनर्जी कहाँ से लेगी, क्योंकि स्टमक में तो फूड है नहीं। तो हमारी बॉडी सबसे पहले हमारे स्टोर्ड ग्लाइकोजन को यूज़ करने लगेगी। ठीक है, और जब वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन स्टोर भी ख़त्म हो जाएगा, तब हमारी बॉडी वो जो फैट ने स्टोर किया हुआ है हमारी बॉडी ने फॉर एमरजेंसी यूसेज, उसका रिवर्स प्रोसेस होगा और देन वो फैट कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, और फिर वो एनर्जी के रूप में आप उसे यूज़ कर पाएंगे। और ये फैक्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर फैट लॉस का, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और फैक्टर्स भी काम करते हैं इसके पीछे, जैसे कि HCG, ह्यूमन HGC, हाँ मैंने सही प्रोनाउंस किया, तो ये होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है जब हम फास्ट के अंदर होते हैं।
तो वो रोकता है हमारे मसल को डिप्लीट होने से, मतलब हमारे मसल लॉस को होने से रोकता है और फैट लॉस को और बढ़ा देता है, मतलब जो प्रोसेस चल रहा है उसको और फर्दर इंक्रीज कर देता है। तो ये हो गया जी सोने पे सुहागा, समझ में आ गया? तो बस यही एक लगभग लगभग छोटा सा साइंस है इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे, और ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना काफ़ी है। तो वो लोग जो कि सोच रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को शुरू करने के लिए, स्ट्राइट एक बार ट्राई करके देखो, यूट्यूब पे वीडियो देखना छोड़ दो, मैं बताऊं तो कि किसी को क्या रिजल्ट मिला, किसी को क्या रिजल्ट मिला, किसी को नुकसान हुआ, किसी को फायदा हुआ। एक बात तो पक्की है, नुकसान नहीं होने वाला फास्ट रखने से। हिंदूज हैं, टाइम टू टाइम व्रत रखते रहते हैं पूजा के नाम पे, त्योहारों के नाम पे, ठीक है। मुस्लिम लोग हैं, वो भी अपने रिलीजियस चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए रोजे जिसे बोलते हैं उसको रखते रहते हैं। तो फास्ट हमारे यहाँ पर है, उसके साइंटिफिक रीजंस हैं जो कि हमें पता नहीं, बस फॉरेनर्स अगर बोल दें तो हमको लगता है हाँ ये कुछ सीरियस है। हम अपने आप अपने ट्रेडिशन को कभी नहीं समझते, जबकि हमारे ट्रेडिशन के अंदर ये बहुत पहले से है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं तो बस करके देखें, एटलीस्ट 1 वीक जरूर करके देखें, 1 वीक कंटिन्यूअस करके देखेंगे तो आपको फैट लॉस होगा, 101% होगा। स्लो होगा या फास्ट होगा वो डिपेंड करता है आपके बॉडी टाइप पे, हर किसी की बॉडी अलग होती है, ये बड़ा कॉमन सेंस है। और उसको समझने की कोशिश करें कि हर कोई सेम रिजल्ट सेम टाइम पे नहीं ले सकता, बिकॉज हम सबकी बॉडी अलग है और वो अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है। दैट्स इट। आपको छोले पसंद है, मुझे नहीं, बस थोड़ा सा मजाक टाइप था, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, एंड सॉरी फॉर माई डल वीडियो शूटिंग स्किल्स, ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा आने में, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। और अगर कोई वीडियो चाहिए, डाइट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस वीडियो को लेके कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आगे के टॉपिक, कोई टॉपिक है आपके दिमाग में जिसके ऊपर आप, जो डाइट से रिलेटेड है उस पर अगर वीडियो चाहते हैं तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी बाय वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि बाय वीडियो में आप तक आऊं और आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करूं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।